बिग बॉस 15 करने के बाद अब फाइनली शमिता शेट्टी को भी इतने लंबे वक्त के बाद में मिल चुका है एक ब्रेक। पर जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश की पॉपुलैरिटी आगे बढ़ रही है तो क्या दे पाएंगी उनको टक्कर? खैर ये तो पता चलेगा वक्त आने पर। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार कहां पर नजर आने वाली है हमारी शमिता शेट्टी, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वाल आप सभी को बता दूँ यहाँ पर कि शमिता शेट्टी बहुत जल्द एक वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं, और ये वेब सीरीज किसी और के साथ नहीं बल्कि रिद्धमा पंडित और अपार शक्ति खुराना के साथ में है। वाल इस वेब सीरीज का नाम है यो ब्रो क्या हो गया। जी हाँ, यो क्यों हो गया ब्रो, मतलब ये कहते हैं हरियाणवी जो लैंग्वेज होती है ना, इसमें आपको जो है वो टेस्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर शमिता के रोल की बात करूँ तो शमिता जितना प्रोमो नज़र आया है, प्रोमो में बहुत थोड़ा सा नज़र आया है शमिता के बारे में। शमिता जो है वो सुमन का किरदार निभाने वाली हैं, और सुमन के किरदार में जो है वो थोड़ा अब्यूजिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल करने वाली, साथ ही एक बोल्ड कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जिस तरीके से यू नो सामने आई है वो काफ़ी लंबे वक्त के बारे में, और इस काफी लंबे वक्त के बाद वो जब जैसे देखने को मिलने वाली हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है उन्हें कोई ऐसी चीज मिली है या ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे वो एक बार फिर से अपने आप को साबित कर सकती हैं। खैर, आप लोगों से जानना चाहूंगी कि शमिता शेट्टी का जो ये प्रोमो आया है, अपार शक्ति खुराना भी जिसमें है, जिसमें साथ में रिद्धिमा पंडित भी है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों को ये प्रोमो कैसा लगा? क्या लगता है प्रोमो देखने के बाद कि आप लोगों को ये वेब सीरीज देखने में कितना इंटरेस्ट है? खैर, फूड सेलेक्ट पर आएगी ये वेब सीरीज, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं जहां एक तरफ तेजस्वी प्रकाश जो है वो कलर्स का चेहरा बन गई है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं उनको भी वही प्लेटफॉर्म मिला जो कि कलर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि फूड सेलेक्ट। बताइए अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।